दोस्त टिपड़ेवाल आकाश, एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं पंजाब के उभरते हुए नौजवान नेता रवनीत सिंह बिट्टू। 10 सितंबर 1975 को जन्मे रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के आनंदपुर साहिब से पहली बार लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए हैं। तेज तर्रार और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी रवनीत सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू इस समय पंजाब युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। आज हम इनसे तमाम सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। बिट्टू जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, आपने मौका दिया मुझे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि राजनीति में कैसे आना हुआ, यदि आपको विरासत में राजनीति नहीं मिलती, आपके दादाजी दिवंगत बेअंत सिंह जी अगर राजनीति में नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से आपकी राजनीतिक मैदान में एंट्री हो जाती? मनोज जी, मैं आपको सच्ची बात आज बताना चाहता हूँ कि जब पंजाब में एक हालात ऐसे थे, काले बादल छाए हुए थे, 80s और 90s तक टेररिज्म था पंजाब में, तो बहुत ही लोग टूट चुके थे, अलग थलग पड़ गए थे, पॉलिटिक्स में कोई आना नहीं चाहता था क्योंकि जो भी किसी पार्टी में कोई आगे आता था उसे गोलियाँ मार देती। तो जब कोई भी उस टाइम नौजवान हो चाहे वैसे हो, जब भी कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता था, चाहे किसी भी पार्टी में हो, उसे गोलियों से मार दिया जाता था। और उस वक्त जब 92 में बहुत लंबे अरसे बाद इलेक्शन हुई, 10-15 साल बाद इलेक्शन डिक्लेयर हुई, तो उस टाइम टेररिस्टों ने ये बात बोल दी कि जो भी पहली बूथ पे 5 वोटें डालेगा तो उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी। उस वक्त मेरे मरहूम दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी PPC प्रेसिडेंट थे प्रदेश के कांग्रेस के, इसलिए हमें आना पड़ा क्योंकि लोगों में डर था। जितनी देर हम परिवार वाले खुद आके वोटें पहले नहीं डालते तो लोग डर रहे थे भी अगर ये परिवार वाले पीछे हट रहे हैं तो हम क्यों आगे आके मरें। तो इसलिए सारों ने उस टाइम खुद, हमने चाहे छोटे थे, मैं खुद +2 में था, और आगे आके हमने वोटें डलवाई और डाली। उस टाइम से ये लगातार पॉलिटिक्स में आने का रुझान जो शुरू हुआ, उसके बाद ये लगन है जो मैं कह सकता हूँ मुझे शुरू हुई। जिस समय आपके दादाजी की आत्मघाती हमले में हत्या की गई और उसके बाद काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहा होगा कि आपको एक कड़ा डिसीजन लेना कि हमें राजनीति में जाना है। बिल्कुल, इसमें कोई भी झूठ नहीं, आज कोई भी कुछ बातें करें, लेकिन उस वक्त औरों की तो बात छोड़िए, हमारे जो परिवार की महिलाएं थी, जहां हमारे पेरेंट्स थे, वही मेरे ग्रैंडफादर के बाद, उनके असैसिनेशन होने के बाद हमें रोकते थे भी आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना। ये होता ही है, हर जगह होता है, लेकिन पर जो हमारे, जैसे आप कह सकते हैं, खून में है, चाहे जो हमारे विरासत में है, तो हमने ये सोचा भी ये मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी ने जो काम पंजाब के लिए शुरू किया था, टेररिज्म ख़त्म करने के लिए, पंजाब में अमन लाने के लिए, अगर हमने उसे आगे बढ़ाना है, अगर उसे हमने जारी रखना है, तो हमें ये डिसीज़न लेना पड़ेगा। उसी डिसीज़न में, उसी जोश में, उसी ताकत में पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी था हमें, क्योंकि जो टेररिस्ट ग्रुप थे, आतंकवादी थे, वो चाहते थे भी ये डीमोरलाइज़, ये फैमिली, ये पार्टी डीमोरलाइज़ हो जाए और हम इसके ऊपर दोबारा किसी तरीके से कब्जा कर सके। लेकिन हमें ये लोगों को मजबूती दिखाने के लिए ज़रूरी था सियासत में आना। हमने ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए, परिवार की ना परवाह करते हुए हम सियासत में आए और उसके बाद लगातार हम काम करते रहे ग्रास रूट के ऊपर। लेकिन आज से, मेरे को याद है, आज से 3 साल पहले जब हमारे बहुत ही प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने बहुत ही मंथन के बाद 18 महीने लगाए उन्होंने इस प्रोसेस को, जो इलेक्शन वाला प्रोसेस यूथ में लेकर आए हैं, वो आज से 3 साल पहले 12 अगस्त को सबसे पहले पंजाब से शुरुआत की, जहां से मुझे असली पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला, जहां से मेरी असली शुरुआत, लॉन्चिंग हुई है। पहली बार ऐसा हुआ युवक कांग्रेस में कि किसी भी राज्य के मुखिया जो है निर्वाचित होकर जो है सबके सामने आए, खास तौर पर राहुल गांधी जी, क्योंकि मैं उनकी पहला प्रोडक्ट हूँ, तो मैं ये ज़रूर देश के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि यही आरोप हर पार्टी में लगते थे भी पैसे वाले आगे आ जाते हैं, रिश्तेदार बड़े लोगों के आगे आ जाते हैं, तो यही बात ख़त्म करने के लिए भी कैसे ग्रास रूट से जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको कैसे आगे लेके आए, तो ये प्रोसेस पंजाब से उसकी शुरुआत हुई 3 साल पहले। और मेंबरशिप गांव-गांव, शहर-शहर जाके मेंबरशिप हुई। 3 साल से आप
पंजाब युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़े अंतर से आपने चुनाव जीता। अब तक इन 3 साल के दौरान आपने क्या कुछ नया किया है? भी पंजाब बड़ी परिस्थितियों से गुजरता रहा है, चाहे आज़ादी की लड़ाई की बात करें, उस टाइम सबसे ज़्यादा योगदान पंजाब ने दिया। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि देश को अनाज चाहिए था, पंजाब ने मेहनत की और अनाज दिया। पर उसके कई ऐसे फेसेस रहे पंजाब में, जिसके कारण कहीं ना कहीं ऐसी टाइम आया पंजाब के लिए, दुर्घटना वहाँ पे होती रही जिससे पंजाब पीछे पड़ता गया। जैसे मैंने बात की टेररिज्म की, लेकिन आज की अगर सबसे बड़ी बात करें वो ड्रग्स की है। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट के खुद के आंकड़े हैं, जो 73% हमारे नौजवान आज ड्रग्स के ऊपर, नशे के ऊपर हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी ये लड़ाई थी, जंग थी, हाईकमांड से भी, IYCVC, राहुल गांधी जी की तरफ से यही दिशा निर्देश थे, क्योंकि पंजाब हमेशा ही उनका प्रिय रहा है, उनका पंजाब के ऊपर, पंजाब के लोगों ऊपर बहुत बड़ा विश्वास रहा है हमेशा। तो मुझे सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शन थी भी कैसे भी काम करो, ड्रग्स के अगेंस्ट काम होना चाहिए। अगर, क्योंकि उनको लगता है अगर पंजाब कमज़ोर पड़ गया, पंजाब सबसे बड़ी कड़ी है हिंदुस्तान की, पाकिस्तान बैठा है, चाइना बैठा है, अगर पंजाब कहीं कमज़ोर पड़ गया तो देश कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई हमने नशे के, ड्रग्स के अगेंस्ट वहाँ पे शुरू की। सबसे पहले हमने यात्रा की पंजाब में, 45 दिन की यात्रा, 1500 किलोमीटर की यात्रा, रोज़ हम 30 से 40 किलोमीटर पद यात्रा करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी पद यात्रा हम किसी पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे थे, हम ग्रास रूट से जुड़ना चाहते थे, क्योंकि आज पॉलिटिकल लोग हैं, अफसर लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े जहाज़ों में सरकार घूमती है, उनको पता नहीं ग्रास रूट पे क्या हो रहा है। लेकिन हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी, लेकिन हमने 100-200 लड़के जो अच्छा पोटेंशियल काम करना चाहते थे वो साथ लेके हमने सारे पंजाब के गांव-गांव चक्कर लगाया भी कहां, किस कोने में पंजाब में क्या हो रहा है, क्या पंजाब की तकलीफ है। क्योंकि बाहर लगता है अभी पंजाब बहुत खुशहाल सूबा है, बहुत यहां पे पैसा है, लेकिन पंजाब आज बहुत नीचे चला गया है। कई बार पहले नंबर का सूबा आज 18th-19th नंबर पे हिंदुस्तान के आ चुका है। ये मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, किसी पार्टी को, लेकिन ये चीज़ें हमने देखी जाके भी पंजाब में कैसे नौजवान बेरोज़गार हैं, कैसे नौजवान नशे के कारण तबाह हुए हैं। आज आप सोच सकते हो 40% जब हमारे शादी के बाद आज हमारे बच्चे नहीं हो रहे, उनकी औलाद नहीं हो रही। अगर आप अंदाज़ा लगाओ 40% अगर आगे औलाद नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, तो हमारी अगली जनरेशन पीढ़ी कैसे चलेगी? हमारे पॉलिटिकल लोगों का ध्यान और ही है। जी बिल्कुल, नशा जो है एक बड़ी सामाजिक बुराई है, और मुझे लगता है बहुत कम ऐसे देश में राजनीतिज्ञ होंगे जो इस तरह से आंदोलन चलाए हों नशा मुक्ति के लिए अपने राज्य को। आप 121 घंटे तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा सारी राहुल गांधी से शक्ति आती है, मैं सच्ची बात बताऊँ। ये कोई मैं वैसे ही आज इस प्रोग्राम में TV के सामने नहीं कह रहा, जिस दिन उन्होंने मुझे, मैं प्रेसिडेंट बना था, उसी दिन मैंने सोचा था भी मैं राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश से, राहुल गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए पंजाब में ज़रूर कोई ना कोई इनकलाब हम लेके आएंगे। उसी सोच को आगे लेते हुए ड्रग्स के लिए हमने भूख हड़ताल रखी। उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं था लेना, पॉलिटिकल पार्टियां काम करती रहती हैं, हम एक सोशल एजेंडा लेके चले थे। ये सोच भी है राहुल गांधी जी की पार्टी की भी सोशल कॉज आज लेनी चाहिए, क्योंकि लोग पार्टियाँ लोगों से, सब पार्टियाँ लोगों से कट गई हैं। चलिए, ये तो ही नशा मुक्ति की बात, इसके अलावा देश के नौजवानों के सामने आपके हिसाब से कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? मैं खास तौर पे आज, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज अगर हम देखें आबादी के हिसाब से तो नौजवानों की है। कुछ ही और समय के बाद देखोगे या देखेंगे आप, 50% से ऊपर हमारी नौजवानों की यहाँ पर आबादी हो जाएगी। इसलिए बहुत बड़ी सोच है ये नौजवानों की। पंजाब की मैं आपको अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो चुकी है पंजाब में। फिर भी कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, अमेरिका, कनाडा चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, तो कुछ रोज़गार वो पैदा कर लेते हैं और बाद में वहाँ से पैसा पंजाब में आता है, तो उससे खुशहाली हो, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन बाहर कल भी ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था भी जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा संजीदा हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और सारी कैबिनेट, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, और ख़ास तौर पर हमारे पंजाब से अंबिका सोनी जी हैं, वहाँ पे मिनिस्टर बातचीत होती रहती है, अब बहुत संजीदा हैं सारे। लेकिन ये आप सोच लो भी जो अमेरिका सबसे मजबूत देश था, जो दुनिया को चलाता था, आज उसे चाइना या जापान या इस देशों पे डिपेंड होना पड़ गया। ये प्रॉब्लम गंभीर है, ये बातों से, एक दूसरे से आरोप लगाने से
बीजेपी या कांग्रेस, कांग्रेस या बीजेपी, ये काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आपने बिट्टू जी ठीक कहा कि जॉब एक बड़ी समस्या है, फिर दोहरा रहा हूँ मैं उसको, बड़ी संख्या में देश में नौजवान जो है MBA और MTech करने के बाद बाहर निकल रहे हैं, आपने भी कहा कि जॉब नहीं मिल रही है, इसका समाधान दरअसल है क्या? बाहर जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया में हर सारी दुनिया एक हो चुकी है, जाना चाहिए बाहर जितने जितने जा सकें। लेकिन जो आज हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो हम आज बड़े बड़े कारखाने लगा रहे हैं, जहाँ आज हम मेगा मॉल बना रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े हम और मैं कह सकता हूँ जो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का काम चल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जिस स्टेट में काम हो रहा है उसी स्टेट में लोगों को काम देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं कमी है, जहाँ से सस्ती, जहाँ मुनाफे के लिए लोग क्या करते हैं भी और कहीं से जॉब दे देते हैं। ये सरकार को निश्चित करना चाहिए भी जहाँ पे जो काम जिस स्टेट में हो रहा है, अगर उसी स्टेट के नौजवानों को ज़्यादा काम दिया जाए तो ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इसमें कमी आएगी और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होने वाला है। एक और बड़ी समस्या है, आप भी हर जगह देख रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक इस समय जो है करप्शन का मुद्दा छाया हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, करप्शन आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं मानता हूँ ऊपर भी करप्शन है, लेकिन आज रोज़ मीडिया में आते हैं, सब जगह आता है, हम सिर्फ बड़ी करप्शन की बात करके चुप करके बैठ रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। बड़ी करप्शन तो पकड़ी भी गई है, पकड़ी जाती है, लेकिन जो नीचे है, जो तहसील लेवल पे है, पटवार खानों में है, जिससे आम लोग, जो हमारा ज़्यादा आज 80% लोग है, उसको वहाँ तकलीफ़ हो रही है, वहाँ करप्शन है, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। जहाँ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग वहाँ से हो रहे हैं, जितनी देर हम नीचे ज़मीन पे करप्शन नहीं रोकेंगे उतनी देर ये बड़े बड़े जो स्कैम हैं, ठीक है ये बात ठीक है पकड़े जा रहे हैं, आंकड़े बड़े बड़े हमें नंबर दिखते हैं इतने इतने करोड़ों के, लेकिन असली जो अभी नीचे ग्रास रूट पे करप्शन है, जो आज का नौजवान जिससे तंग है, नौजवान आपको कटा हुआ समझ रहा है देश से, वो नीचे है, जहाँ उसने रोज़ कहीं एप्लीकेशन देने जानी है, जहाँ उसने कहीं नौकरी लेने जानी है, जहाँ अपनी ज़मीन की फ़र्द बनवाने जाना, कोई काम करप्शन के बाद नीचे एक क्लर्क सुपरिटेंडेंट के लेवल पे करप्शन जितनी देर नहीं रुकेगी उतनी देर ये देश तरक्की नहीं कर सकता। वहाँ सख्ती से, मैं अपने साथियों से चाहे किसी पार्टी के हों, जो नौजवान MP है रोज़ बातें करते हैं, लेकिन मुझे, मैं ये नहीं कहता भी आज काम नहीं हो रहा, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूँ आने वाले 5-10 साल में इस देश में बहुत करप्शन के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी पंजाब के नौजवान सांसद रणजीत सिंह बिट्टू से बातचीत जारी रहेगी। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं पंजाब युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रणजीत सिंह बिट्टू से। बिट्टू जी, एक और बड़ी समस्या है महंगाई की। मानसून सत्र में अभी हमने देखा कि लोकसभा में इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई। बार बार चर्चा तो होती है, सड़क पर भी होती है, संसद में भी होती है, लेकिन महंगाई रुकती नहीं है। आम आदमी के बीच में धारणा बनती जा रही है कि सरकार बार बार तारीख पर तारीख देती है। जैसे आप कोर्ट कचहरी में जाइए तो आम फरियादी को तारीख पर तारीख मिलती है, उसी तरह से सरकार भी एक के बाद एक डेट देती जाती है। आम आदमी के बीच मन में धारणा बन रही है, क्या ये सही है? ये नहीं बात भी आज हमारी गवर्नमेंट है तो मैं ये बात को डिनाई कर दूंगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, आने वाले दिनों में इसे कंट्रोल पर जरूर किया जाएगा, क्योंकि कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी भी हमारे लोग सुखी ना रहें, अच्छी तरह से उनको खाने पीने का सामान ना मिले, ये गवर्नमेंट कोई भी नहीं चाहेगी, इसलिए कंट्रोल होगा ही होगा। इस बार की हम लोकसभा की बात करें तो 25 से 40 वर्ष की आयु के बीच के 82 सांसद चुने गए हैं। हमारा देश यंग इंडिया है और सबसे ज़्यादा इस बार जो है नौजवान सांसद विभिन्न पार्टियों के चुने गए हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं नौजवान सांसदों के ऊपर? आज लोग हिंदुस्तान के, आप बाहर जाके देखो, वो ये बात खुल के, चाहे बुजुर्ग हों, नौजवान तो है ही हैं, वो खुद ये बोलेंगे भी हम चाहते हैं
आने वाला हिंदुस्तान नौजवानों के ऊपर उनका भारत देश का जाना चाहिए, और इस दिशा में सारी पार्टियाँ, कोई पार्टी वो काम भी कर रही है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी ने तो किया ही किया है। हर जगह 13 पार्लियामेंट की टिकट है हमारे पंजाब में, 3 टिकट हैं जो यूथ नौजवानों को दी गई हैं। ऐसे ही अभी महाराष्ट्र में हमारी यूथ कांग्रेस की इलेक्शन चल रही है, पार्टी की इलेक्शन चल रही है, यही कोशिश है बड़ी बड़ी स्टेट्स में भी नए अच्छे नौजवान लाए जाएँ। पीछे वेस्ट बंगाल में विधानसभा की इलेक्शन हुई, वहाँ पर बहुत बड़े टिकट दिए गए, उससे पहले केरला में, तमिलनाडु में इलेक्शन हुई, पर नौजवान आगे आ रहे हैं। लेकिन जो मेरी समझ है या सोच है, अभी भी और नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, उन पर पार्टियों को विश्वास दिखाना चाहिए, क्योंकि नौजवानों को आज असली जो मुद्दा है, क्योंकि करप्शन का जैसे आपने बात की, लोग कहीं ना कहीं ये समझते हैं, जो यंग लोग हैं, नए लोग हैं, ये करप्शन को ख़ास तौर पर कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात है कहीं ना कहीं भी, आज देश करप्शन की वजह से दुनिया में जो हमारी शाख है वो नीचे जा रही है, क्योंकि यंगस्टर हैं, सारी दुनिया देखी हुई है, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है भी बाकी देश आज कहाँ खड़े हैं और कहाँ हम जा रहे हैं। इसलिए मैं ये आपको विश्वास से कह सकता हूँ, जो किसी भी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हम इकट्ठे बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, हर एक के मन में है भी हमारे देश की जो छवि है करप्शन की वजह से खास तौर पे खराब हो रही है, उसे हमें इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं इसको बचाना चाहिए। कुछ ही महीने बाद पंजाब में राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं, युवा कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? युवा कांग्रेस की, यूथ की तो सबसे बड़ी भूमिका पंजाब में ये विधानसभा जो फरवरी में आने वाली है वहाँ पे होगी, क्योंकि 70% जो आज पॉपुलेशन है पंजाब में वो नौजवानों की है। और जो आज अगर किसी भी पार्टी की बात करें वहाँ पर, ख़ास तौर पर चाहे हमारी कांग्रेस की बात करें, चाहे अकाली दल जो आज ताकत में है, सुखबीर बादल हैं, उनके यंग लीडर हैं, चाहे दूसरी पार्टी बनी है मनप्रीत बादल की, उनकी यंग है, वहाँ पे जो मेन आने वालों दिनों में कंपटीशन है, मुकाबला होने वाला है, वो सारे नौजवान लीडरों का वहाँ पे होने वाला है। जैसे मैंने आप बोल रहे अभी यंग इंडिया, ऐसे ही आने वाले दिनों में यंग पंजाब आने वाला है, और आप देखेंगे बहुत नए चेहरे, ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने हमेशा पंजाब में जब भी वो गए हैं पंजाब पे मुद्दे पे बात हुई है, उन्होंने हमेशा ये बोला है भी हम कम से कम 30% टिकट जो है नौजवानों को कांग्रेस पार्टी के इस पर देना चाहते हैं, और जो उन्होंने हमेशा कहा है वो उन्होंने सच भी करके दिखाया है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, गुटबाजी भी खूब है पंजाब कांग्रेस में, आपको लगता नहीं कि गुटबाजी बड़ी चुनौती बनेगी आप लोगों के लिए विधानसभा के चुनाव के दौरान? ये एक तरह से अच्छा है, जब भी लीडरशिप को ये पता लगता है भी लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पे प्रदेश में बनाना चाहते हैं, तो हर आदमी कोशिश करता है आगे बढ़ने की, तो इससे पता चलता है भी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है। लेकिन खासतौर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूँ, हमेशा ही रहा है, जब इलेक्शन विधानसभा चुनाव शुरू होंगे और हाई कमांड जिसको टिकट देगी, जिसकी लीडरशिप, जैसे आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में हम चुनाव है जो लड़ने जा रहे हैं, एक एक आदमी उनकी रहनुमाई में पंजाब में, ये मैं आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, हम 60 से ऊपर सीटें वहाँ पे विधानसभा में जीत के हम आएंगे और हम वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर इस समय 3 बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद। आपको लगता नहीं कि जब अब से कुछ महीने बाद जब पंजाब में चुनाव होंगे तो 3 बड़े मुद्दे जो है आपके लिए नुकसान का सबब बन सकते हैं? नहीं नहीं, इसका ज़रूर, इसमें कोई बात नहीं, ये आज ये महंगाई है, करप्शन है, ये बात तो बिल्कुल वहाँ पे होगी, लेकिन ये हमारा काम है, हम अपने वोटर को समझाएंगे भी ये कैसे कंट्रोल की, कैसी कैसी इनके पीछे कोशिश की जा रही है। लेकिन पंजाब में अगर बात करें, वहाँ तो जो हमारी अकाली बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे जितनी उन्होंने करप्शन की है कोई सोच ही नहीं सकता, लगातार सारा परिवारवाद है वहाँ पे, खुद बादल साहब मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री उनके अपने बेटा हैं, और उसके बाद 7 कैबिनेट मंत्री हैं जो उनके रिलेटिव हैं, वो तो एक परिवार की वहाँ पे पार्टी चल रही है वहाँ पे, बादल जहाँ अकाली दल बादल की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ बादल फैमिली की वहाँ पे, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, हरसिमरत बादल यहाँ पे है, हर जगह उन्होंने परिवारवाद कर रखा है, इसलिए लोग उनसे तंग हैं। कल ही एक आप सोच सकते हैं, लंबे अरसे बाद 10-15 साल के बाद जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गुरु ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहब में खुली, उसके VC अंदर जाके ऑफिस में उसको गोली मार दी गई है। आप देखो तो सही पंजाब में हालात, दोबारा ये तो
कोशिश की जा रही है भी एक दहशत का माहौल बनाया जावे विधानसभा से पहले, जिसके कारण लोग दहशत में आए और हम उनसे वोटें ले सकें। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी पंजाब के उभरते हुए नौजवान नेता रवनीत सिंह बिट्टू से यह बातचीत जारी रहेगी। The buzz beyond all the biz in Amchi Mumbai. The transforming face of Singara Chennai. The changing profile of the city of joy, Kolkata. Keep track of the latest developments in these cities on Metro Scan, Monday to Friday, 6:30 p.m. only on TD News. Break ke baad ek baar phir aapka swagat hai. एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के नौजवान सांसद रवनीत सिंह बिट्टू से। आनंदपुर साहिब आपका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के लिए कौन सी बड़ी योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं? आनंदपुर साहब बहुत ही एक पवित्र धरती है, गुरुओं की धरती है और तख्त है हमारा। वहाँ पे पहाड़ भी हैं और टूरिज़्म डेस्टिनेशन वो सबसे अच्छा बन सकता है वहाँ पर, क्योंकि अंबिका सोनी जी हमेशा पहले टूरिज़्म मिनिस्टर रहे हैं, बहुत कुछ इन्होंने पिछली गवर्नमेंट में किया है। मेरी अब ज़्यादा योजनाएं जो है, क्योंकि हमारी वहाँ पे ऑपोजिशन गवर्नमेंट है, जो भी हम काम लेके जाते हैं वो उनकी कोशिश रहती है उसे ना पूरा होने दें, और 6 महीने रह गए हैं। वहाँ पे सबसे पहले तो एक टूरिज़्म हब बने, क्यों वहाँ पे बड़े अच्छे दरिया हैं, अच्छी नदी नहरें हैं और हिल्स हैं, तो बहुत अच्छा टूरिज़्म डेस्टिनेशन वहाँ पर बन सकता है और साथ में धार्मिक लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो हमने तैयार किया आने वाले दिनों में टूरिज़्म का, जहाँ वहाँ पे करेंगे। और दूसरा जो मोहाली है हमारा, जो चंडीगढ़ के साथ है और सबसे पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वहाँ हम इंडस्ट्री हब है, जैसे गुड़गांव ने तरक्की की है, फरीदाबाद ने की है, ऊना ने की है, वैसे ही हम आने वाले दिनों में मोहाली को एक इंडस्ट्री हब बनाने जा रहे हैं। राजनीति के अलावा अपनी कुछ और पसंद के बारे में बताइए। एक तो मैं पहले स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, लेकिन अब पॉलिटिक्स के आने के बाद टाइम कम मिलता है। जब भी मौका मिले, हमारे घर के पास वहाँ लेक है, झील है चंडीगढ़ में, वहाँ रनिंग जॉगिंग करने का, और दूसरा यहाँ अगर दिल्ली हो तो लोधी गार्डन में चले जाते हैं, और दूसरा मेरा सबसे ज़्यादा टाइम अगर मैं मुझे मिलता है तो मैं सिर्फ पढ़ने में मेरा टाइम गुजरता है, पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है। तो जी, देश के नौजवानों को आपका संदेश क्या है? देश के कोने कोने में जो भी नौजवान मेरी बात सुन रहा है आज, जो देख रहा है, मेरी एक ही उनसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर वो इस देश को अपना धरती माँ के ऊपर जो कर्ज है उनका, उसको उतारना चाहते हैं, तो इस देश को करप्शन फ्री बनाएं। ये सबसे बड़ी आज मांग है और दुनिया देख रही है हिंदुस्तान की, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे देश में है, अगर उस देश को बचाना है तो नौजवान इस देश को करप्शन फ्री करें। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू जी हमसे बातचीत के लिए, अपना व्यस्त समय निकालने के लिए। तो ये थे रवनीत सिंह बिट्टू जी, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बात की। बिट्टू जी का साफ कहना है कि भले ही उन्हें राजनीति विरासत में मिली हो, लेकिन हकीकत यह है कि विरासत से राजनीति में किसी की एक बार एंट्री तो हो सकती है, लेकिन यदि उसे सफल होना है तो अपना हर दिन आम आदमी और कार्यकर्ताओं के बीच बिताना पड़ता है, और इनकी पूरी कोशिश होती है कि ये अपना हर दिन आम आदमी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बिताएं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
क्रिकेट के मैदान से हॉकी के टर्फ तक, फुटबॉल के किक से गोल्फ के हिट तक, टेनिस के कोर्ट से शतरंज की बिसात पर, किसने मारी बाजी, किसको मिली मात, खेल की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, किसके सर बधा ताज और किसकी हुई हार, जानने के लिए देखिए खेल समाचार रोजाना दोपहर 1 बजे, शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार रात 11:05 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। कल की सुर्खियां, आज की होने वाली घटनाएं, देश और दुनिया का हाल, उपलब्धियां जो होंगी बेमिसाल, राजनीति, वाणिज्य, मनोरंजन और खेल की खबरों।